बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जो हलवे के साथ पूरी खाई जाती है वो पूरी की रेसिपी। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और सेम आपको खाने में टेस्ट वैसा ही आएगा जो हम हलवे के साथ हमेशा खाया करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा है, यह आधा कप गेहूं का आटा है, ये दही है 1/4 कप, 1 टेबलस्पून नमक है, ये बेकिंग पाउडर है, हमें बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा नहीं, 1/4 टीस्पून, और ये 1 टेबलस्पून तेल है। अभी हम क्या करेंगे, मैदे में गेहूं का आटा है और ये दही, बेकिंग पाउडर, नमक और ये ऑयल, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ये 1 कप पानी है, अगर हमें और ज़रूरत लगे तो हम और लेंगे। बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। अब हम क्या करेंगे, ये स्पून को हटा देंगे और हाथ से करेंगे। बहुत अच्छा हमें सॉफ्ट डो से तैयार करना है। देखिए एक अच्छे से डो तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें और डालेंगे और इसको अच्छे से 10 मिनट तक भून लेंगे। देखिए इसे भूनते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, आप कोई भी साइज़ के बना सकते हैं, छोटे बड़े, ये मीडियम साइज़ है। और इसी तरह हम सब पेड़े तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सब पेड़ तैयार कर दिए। अब हम इसको ऊपर से ऑयल लगा देंगे ताकि ये सूखे नहीं। ऑयल हमें अच्छे से लगाना है। हमने सबको अच्छे से ऑयल लगा दिए। अब हम इसको कवर करके रेस्ट होने देंगे आधे घंटे का, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। देखिए आधा घंटा हो चुका है, ये कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे देखिए इसे हम बेल रहे हैं, हम इसमें आटा नहीं लगाएंगे बल्कि तेल लगा के इसको बेल लेंगे। इसे हम हाथ से भी कर सकते हैं। और अब हम इसे तल लेंगे। तेल रख दिए थे, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम ये पूरी इसमें डाल देंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट है और पूरी अच्छी तरह से फूल गई है। अब इसे साइड चेंज कर देंगे और हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सब बेल लेंगे, इसको अच्छे से तेल लगा लेंगे, एक साइड, सेकंड साइड भी चेंज करके उसको भी लगा लेंगे
और ये मैं आपको हाथ से करके दिखाती हूँ, ये हाथ से भी बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फूल रही है ये, तो साइड चेंज कर देंगे और इसको निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारी पूरी तल लेंगे। देखिए इसी तरह हमको सब पूरी सेक लेना है। देखिए हमने सब पूरी तल दिए हैं और ये बहुत सॉफ्ट बनी है और ये एकदम जैसे हलवा पूरी की पूरी होती है ना वैसी ही सॉफ्ट बनी है, बस वो साइज़ में ज़रा बड़ी है, ये छोटी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।